बम्बई एक्सप्रेसवे का विरोध करने वाले हो, गुजरात के विकास का जो झूठा चित्र रखा जाता है उसको पूरी तरह खोखला साबित करते हैं। भूमि अधिकार आंदोलन के सम्मेलन में इन सब मामलों में, जैसे कि भूमि अधिग्रहण कानून, फॉरेस्ट राइट्स का अमल न होना, कृषि संकट पर कोई नीति या कार्यक्रम, कोई एक्शन नहीं, मनरेगा जैसे कार्यक्रमों को खत्म करना या कृषि और पर्यावरण के कानूनों को तोड़ना, ये सब के सामने संघर्ष करने का भूमि अधिकार आंदोलन ने जो तय किया, उस संदर्भ में गुजरात के संगठनों ने चार मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया। एक, राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन, 2013 का भूमि अधिग्रहण आंदोलन, उसके सामने संघर्ष लड़ना, और जमीन को लेके पूरे कायदों का, कानूनों को जो बदला जा रहा है उसके सामने संघर्ष, बिंदु नंबर एक। बिंदु नंबर दो, वन अधिकार कानून, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट डिवाइडर्स एक्ट 2006 का, उसका जो नॉन इम्प्लीमेंटेशन और वायलेशन हो रहा है उसको एक मुख्य मुद्दा बनाना। तीसरा, दलित आदिवासी और अन्य मार्जिनलाइज सेक्शंस पर जो अत्याचार होते हैं, नंबर तीन। और नंबर चार, भूमि अधिकार आंदोलन को गुजरात में मजबूत करना। धन्यवाद। इधर आइए, शक्तिमान जी इधर आइए। आपका इंतजार ही कर रहे थे, आपकी आवाज आपसे बता दीजिए, कोई अगर आपका मानवाधिकार कानून जैसा उल्लंघन हो रहे, स्ट्रीट वेंडर्स कानून को उस तरीके से उल्लंघन हो रहे, और मार्च सिटी के खिलाफ जो लड़ाई हो रहे, 200 लाइन लिख के दे दीजिएगा उनका भाई, वो मार्च सिटी और ये फुटपाथ के अंदर कानून को 2 लाइन लिख के दे दीजिएगा शक्तिमान दा। हो गया मधुरेश भाई, है ना? तो ये साथियों, आपके सामने यहाँ पर जो प्रस्ताव रखे गए हैं, दो प्रस्ताव, एक मधुरेश भाई ने रखा, आनंद भाई ने रखा, ये प्रस्ताव, दो सुझाव आए दोनों, अशोक चौधरी जी ने जो सुझाव दिया वो भी उसमें जोड़ दिया गया है, और शक्तिमान जी ने जो सुझाव दिया आनंद भाई को वो भी उसमें जोड़ दिया जा रहा है। उसके साथ में आप सभी साथियों को अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो तो अपना हाथ खड़ा करें। दारू मंडी और जो साथियों को ये प्रस्ताव नामंजूर है वो अपना हाथ खड़ा करें। तो सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया गया। एक प्रस्ताव हमारा भी है, नहीं हम अभी बोलेंगे, नहीं सुनिए तो, जैसा उन्होंने कहा है शक्तिमान जी, स्मार्ट सिटी के नाम से पूरा मलिन बस्ती को उजाड़ने का काम कर दिया है। नहीं आया है, जो आया है आप उसको देख लो, आया है शहर का जो है पूरा, जो प्रस्ताव बनाने वाले लोग हैं वो सब आंदोलन के साथ जुड़े हुए, स्मार्ट सिटी के खिलाफ में जो आंदोलन चल रहा है तो वो उसमें आ गया है, जो बात आपने कही है। तो साथियों, आप लोगों ने प्रस्ताव पारित किया, अब इस प्रस्ताव में एक और सुझाव आया, तुझे नया सुझाव नहीं है, गुजरात के आंदोलन ने जो चार मुद्दे फोकस किए उसके तीसरा मुद्दा था अट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित आदिवासी, तो ये जनरल तौर पर रखा गया है, ये जरूरी है विशेष जिक्र करना। अभी कुछ दिन पहले चार दलितों को मारा गया गौ सेवकों के नाम से, उसकी भत्सना ये सम्मेलन करता है, ये विशेष तौर पर हम लोगों को यहाँ जिक्र करना चाहिए। साथियों, जो लेबर राइट्स को लेकर के था उसी के अंदर ये एक सुझाव है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को स्थायी करने को लेकर के कानून बनाया जाए, इस तरीके का बात है। जो डिमांड चार्टर है उसमें उसके अंदर इसको शामिल करेंगे, किया हुआ है ना। तो साथियों, अब ये दोनों प्रस्ताव जो आपने पारित किए हैं,
एक तो आप सबसे अपेक्षा ये है कि इस प्रस्ताव को जो भी संगठन यहाँ पर आए हैं वो अपने संगठन की तरफ से छपवा करके और अपने संगठन के बीच में और अपने इलाके में उसको बांटने का काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा सम्मेलन के ओर से की जा रही है, सभी साथियों से अपेक्षा की जा रही है कि अगले 15 दिन के अंदर ये छप जाए, आपके संगठन के नाम से छपे और पूरे इलाके के अंदर फटे, ताकि हम लोगों ने जो कुछ यहाँ पर किया ये अखबारों के अंदर तो नहीं आया है उस तरीके से, इतना ही आया है कि इंटेलिजेंस के 3 राज्यों के अफसर यहाँ बैठे हुए हैं आपके बीच में। अरे तेरे की नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है और वो सब कुछ एक एक कार्रवाई को नोट कर रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं। कौन है वो इस कमरे में, मतलब मालूम नहीं, जो भी हो, खैर हम लोगों का सब काम पारदर्शी है इसलिए हमको उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरा केवल कहना इतना है कि हमारे मुद्दे लोगों के बीच में जाए इसके लिए जरूरी है कि हम अपने पर्चे छापे और हमारा जो भी अपना अल्टरनेटिव मीडिया है, हमारे अपने बुलेटिन है, हमारे अपने पत्र पत्रिकाएं हैं, वहां पर भी ये प्रस्ताव छपे। कम से कम 20 अखबार ऐसे हैं हिंदी क्षेत्र के अंदर जो हम लोगों का ये प्रस्ताव 100% छापेंगे, ये मैं जरूर कह सकता हूं, जो लगातार हम लोगों का साथ छापते हैं। और इसी तरीके से ये जो संघर्ष संवाद है, मैं ये भी चाहूंगा कि संघर्ष संवाद को आप खुद भी देखें और इसको करीब करीब 10-15-20 हजार तक लोग पढ़ते हैं, और इसलिए ये जरूरी है कि आप संघर्ष संवाद के साथ में कांटेक्ट में रहें। अभी ये सम्मेलन चल रहा था और इसका जो भी कुछ यहाँ से डाला गया उसको भी कई हजार लोगों ने उसको देखा है, और इसी तरीके की अगर आप लोगों के अपने संगठन की वेबसाइट हो या आपके कोई इस तरीके के मित्र या साथी हो जो से हस्तक्षेप जैसे जनादेश जैसे ऐसे बहुत सारी वेबसाइट से हम लोगों के मित्रों की, आपके मित्रों की भी जो होंगी उसके अंदर भी इसको डिलवाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। साथियों आपके सामने प्रस्ताव तो हो गया, हमने प्रस्ताव तो पारित कर लिया, लेकिन इसे अब लागू कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या काम करना है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। कल जो एक हमारी बातचीत हुई थी, स्ट्रेटेजी का जो सेशन था जो आज के लिए टल गया था, तो इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए हम लोग कैसे इफेक्टिवली काम कर सकते हैं और कौन से कार्यक्रम हम लोग ले सकते हैं इसको लागू कराने के लिए, उस संबंध में साथियों के सुझाव सलाह और टिप्पणियां अपेक्षित है। मैं आग्रह करूंगा वीरेंद्र विद्रोही जी से कि वो आए और यहाँ पर साथियों को अपने सुझाव रखें कि किस तरीके से हम इसको फोर्सफुल तरीके से इम्प्लीमेंट करें और आंदोलन की और भूमि अधिकार आंदोलन को मजबूत करने की हमारी क्या रणनीति हो। वीरेंद्र विद्रोही जी, एशिया टुडे अखबार हमारे प्रिय साथी टीके प्रजापति जी निकालते हैं, उसके संपादक हैं, तो वो इसको प्रकाशित करेंगे, ये उन्होंने सूचना दी। इसके बाद में कॉमरेड के भी बोलेंगे, उसके बाद वो तैयार रहे। साथियों परसों सुबह जो अपना उद्घाटन सत्र था उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि लड़ाई अब आमने सामने की है और बिल्कुल साफ लड़ाई है। एक तरफ स्टेट और कॉर्पोरेट्स मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं और एक तरफ हम लोग हैं, देश की जनता है, गरीब लोग हैं। इसलिए जो भी रणनीति हम बनाए वो इसको मद्देनजर रखते हुए बनाए। मैं कोई इस मंच पे कह रहा हूं उचित नहीं है, लेकिन कह रहा हूं जो स्थिति इस वक्त कश्मीर में बन चुकी है, देश के कई राज्यों में वो स्थिति बनने की स्थिति आ चुकी है। गुजरात लगभग उसी स्थिति में आ चुका है, छत्तीसगढ़ लगभग उसी स्थिति में आ चुका है, नॉर्थ ईस्ट उसी स्थिति में है, लगभग वैसी ही स्थितियां देश के कई राज्यों में बन रही है। इसलिए जो हमारी रणनीति होनी चाहिए वो ये है कि जो सीधे लड़ रहे हैं उनको तो संगठित करना है, उनकी लड़ाई को तो आगे बढ़ाना ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे शायद इस लड़ाई के कारणों की जानकारी नहीं है, शहरी गरीब मध्यम वर्ग, इसको बहुत जानकारियां है नहीं। वो आज भी मोदी जी और उसके पूरे प्रभाव क्षेत्र को, दूसरा जो आरएसएस का हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट है,
इनको शायद सच मान के चल रहे हैं, हमें उनके साथ भी संवाद स्थापित करना चाहिए। कैसे संवाद स्थापित करेंगे? मेरी राय है कि जितना संभव हो सके बड़े बड़े कॉलेजों में नौजवानों के बीच में हमको मीटिंगें आयोजित करने का काम करना चाहिए, कुछ चीजें साफ साफ उनके बीच में रखनी चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर मिल्कियत बनाए रखने की नहीं है, लड़ाई इस देश को, इस देश की जीवन शैली को, इस देश के बहुसंख्यक और इस देश के नहीं पूरे विश्व के बहुसंख्यकों को बचाने की लड़ाई है। तो इस दृष्टि से हमको हमारी लड़ाई बढ़ानी चाहिए। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण एक कार्यक्रम बड़ा होना चाहिए। भूमि अधिकार आंदोलन बकायदा ये दिल्ली के स्तर पर भी, राज्यों के स्तर पर भी तय करे कि जितने भी साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाए, उन्हें जानकारी देने की कोशिश करें कि लड़ाई है क्या। ये जो अंबानी अडानी को जिस तरह बैंकों से लोन दिया जा रहा है, उन बैंकों के बारे में भी सोचना चाहिए। ऑस्को के सम्मेलन के दौरान ये बात आई थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक जैसे बड़े बैंकों के जो कंज्यूमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, क्या हम इनको संगठित करके इन बैंकों को नोटिस दे सकते हैं कि हमारी जमा पूंजी निकाल रहे हैं, क्योंकि आप हमारी जमा पूंजी को अंबानी और अडानी को दे रहे हो। और ये मैं बता दूंगा आपको कि किसी भी बैंक के 5-6% क्लाइंट्स भी यदि अपनी जमा पूंजी निकालने की घोषणा करते हैं तो बैंक दिवालिया होता है। और ये पूरी जो लड़ाई शुरू हुई है 2009 में, जो अमेरिका में बैंकों का दिवालिया होना शुरू हुआ था, उसी के बाद इस लड़ाई का स्वरूप बदला है। तभी विश्वभर के पूंजीपतियों ने तय किया है कि जमीनों पर, खनिजों पर, जंगलों पर, पहाड़ों पर कब्जा कर लिया जाए, और इसीलिए बड़े पैमाने पर ये कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो इस दृष्टि से भी कुछ सोचने की जरूरत है। कल एक प्रस्ताव आया था जिसको अशोक भाई ने जरा अलग नजरिए से देखा था। हमारे बीच में से एक ऐसा समूह निकलना चाहिए आंदोलनकारी बीच में से जो आंदोलनों को लीगल सपोर्ट दे सके, क्योंकि देखने में आया है कि बहुत सारे आंदोलन कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, और खासतौर से 2013 का अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा नहीं माना जाना, यह इस बात का प्रतीक है कि राज्य सरकारों पर दबाव हम लीगली कैसे कर सके। इसकी दिशा में भी कुछ सुझाव आए, कुछ काम हो सके। क्या यह संभव है कि हम लोग हमारे तरफ से ऐसा कोई समूह बनाकर वो मदद भी करें? इस दृष्टि से अगर इसको देखें तो शायद हम आगे की लड़ाई जीत सकते हैं। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव। ये बैंक वाला जो है, हमारा पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है और कॉरपोरेट के पास पूरा पैसा जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए, इसकी स्ट्रेटेजी तो बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो अडानी भी वैसे ही भाग जाएगा जैसे माल्या भाग गया, तो पूरा 75,000 करोड़ रुपए चला जाएगा, उसके साथ तो 9,000 करोड़ रुपए गया। तो ये बहुत गंभीर है, सोचने की बात है। साथियों, दो संदेश मिले और कायदे से तो पहले दिन ही, पहले सत्र में आपको जानकारी दे देनी चाहिए थी, लेकिन भूल हुई। अखिल भारतीय कृषक खेत मजदूर संगठन के कॉमरेड सत्यवान जी, जो लगातार भूमि अधिकार आंदोलन के साथ में सक्रिय रहते हैं, हर आंदोलन में उनकी भूमिका संगठन की लगातार रहती है, वो हमारे बीच में नहीं पहुंच पाए कुछ अपरिहार्य कारणों से। उसी तरीके से अतुल अंजान जी की भी खबर आई ऑल इंडिया किसान सभा अजय भवन के साथी कि उनके यहाँ पर उनके परिवार के अंदर ही बहन भी बहुत सीरियस हैं, तो इसलिए वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो वहाँ पर वो व्यस्त होने के कारण वो नहीं आए। दोनों संगठनों के साथी यहाँ पर, कुछ साथी आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी भी है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि हम लोग जिस एक व्यापक तरीके से काम कर रहे हैं, वो सभी साथी यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से मौजूद हैं। जो बात यहाँ पर वीरेंद्र विद्रोही जी ने कही कि लीगल सपोर्ट क्या हो सकता है, तो मैं अनिल चौधरी की जब अपना समापन भाषण करेंगे तब वो पीपुल्स कमीशन ऑन श्रिंकिंग डेमोक्रेटिक स्पेसेस इसके बारे में बताएंगे। साथियों, अब केपी भाई अपनी बात रखेंगे। साथियों, अभी हम जो फैसला तो हो चुका है कि हमारा जो प्रपोजल पास किया, आगे के हमारा जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी हमने फैसला तो हो चुका है। हम दो तीन बातें आपका ध्यान में
दो तीन बातें लिखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक बात यह है, आपको पता है कि जो हमारा ये जो भूमि अधिकार आंदोलन, इसका जो हमको खौफ आया है, इसका प्रथम कारण एक ही है कि ये जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जमीन का अधिग्रहण के लिए अध्यादेश को लागू करने के लिए जो कोशिश किया, और उसका फायदा ये मिला है कि अभी गुजरात में भी और सारे भारत में भी ये जो किसानों को ऊपर जितना हमला चल रहा है, इसके प्रति लोगों को चेतना बढ़ाने में ये बहुत सहयोग दी। और दूसरा बात हुआ कि जब मोदी जी का गवर्नमेंट का शुरुआत में ऐसे एक माहौल था कि ये इतना सक्षम और सशक्त है, इसको खिलाफ लड़कर जीना मुश्किल, लेकिन हमको ये देख सकता है कि ये सरकार आने का बाद एक साल का साल के अंदर किसी वर्ग और किसी ताकत सरकार को इतना प्रहर दिया है, उनको पीछे जाना पड़ा है, वो तो किसान वर्ग है। और हमारा ये जो भूमि का अधिग्रहण का खिलाफ जो आंदोलन हमने चलाया है सारे भारत में, इसी के कारण उसको अपने कदम पीछे करना पड़ा। तो ये सबसे बड़ा एक बात है, इतना कॉन्फिडेंस पैदा किया है हम सबका अंदर। और कॉमरेड हनन का कल प्रसंग जो बोला कि अकेले ये कामयाब होने में हम कोई ताकत को नहीं हो सकता, हमारा एकता का बिना, इसे एकता बहुत बड़ा बात है। लेकिन ये बात हम देखना पड़ेगा कि अभी वो जो माहौल उसी समय था, वो माहौल उसी तरह अभी नहीं है, देशीय लेवल पे नेशनल लेवल पे वो नहीं रह रहा। लेकिन ये हमला वो अलग अलग राज्यों में राज्यों को और से कानून बनाकर लागू करके उन्होंने ये जो हमला है वो अभी भी चलाता है, और इसको खिलाफ हम अभी ये मुख्य रूप में ये फैसला हमने किया है कि हर एक स्टेट पे राज्यों में हमारा आंदोलन को खड़ा करना वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें हम पूरा ध्यान देंगे। लेकिन वो माहौल नेशनल लेवल में अभी उसी तरह उतना तीव्रता में इंटेंसिटी में नहीं रह पाए, ये भी हमको देखना पड़ा। लेकिन हम ये भी सोचना है कि ये भूमि अधिकार का साथ साथ जुट कर अभी ये पीछे जो बजट में मोदी गवर्नमेंट ने जो भी घोषणा की, इसमें सबसे बड़ा घोषणा यह था कि जो हमारा एग्रीकल्चर में खेती में और स्पेशली ये मत्स्य संस्करण में और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो सारे दुनिया में सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो ग्रोथ का दिखाता है उसमें एक है, और सबसे ज्यादा शोषण भी उसमें हो रहा है, और उसमें 100% विदेशी पूंजी के निवेश को देने के लिए परमिशन देने के लिए उन्होंने घोषणा की। ये हमको सबसे बड़े पैमाने पे हमको खिलाफ एक बड़ा कदम है। और दूसरा उन्होंने किया है कि ये जो ई प्लेटफॉर्म जो मंडी में जो सारे भारत का मंडियों को इकट्ठा करके ये कंपनियों को अपना डोमिनेशन ये मंडी को ऊपर रखने के लिए फैसिलिटेट करने के लिए ये व्यवस्था किया है। तो ये 100% एफडीआई और ई प्लेटफॉर्म, ये दोनों हमारा सबसे बड़ा एक बात हो गया है। और आपको पता भी है कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था का विकास हमारा समाज में सारे देश में हो रहा है, अपना अपना सविशेषता का रूप में, सारे जगह पे एक ही तरह नहीं है, अलग जगह पे अलग अलग रूप में है। लेकिन अभी पुराने जमाने का तरीका से नहीं, नया रूप में शोषण का शोषण हो रहा है, वो नया रूप का जो शोषण हो रहा है उसका एक तरीका है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का दाम। और सबसे बड़ा बात यह दाम का बारे में हो रहा है, इसलिए एफटीआई और ई प्लेटफॉर्म जो मंडी से जुड़ा हुआ है, इसको खिलाफ हम किसानों को इकट्ठा करना में हमको कामयाब होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बात भी हमारा भूमि का जो अधिकार है, इसका साथ साथ ये दाम का भी अधिकार, और इसमें ये दाम तो फैसला मंडी में करता है कि ये कंपनियां,
क्योंकि ये जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स को संस्कृतिकरण कर कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने का जो एग्रो इंडस्ट्रीज होता है वो एग्रो इंडस्ट्रीज सारे उनका कब्जा में है और ये मंडी भी उनका कब्जा में है। तो जैसे हम भू अधिग्रहण के खिलाफ हम लड़ता है इसमें बहुत बड़ा एक मुद्दा हमारा भू सुधार है कि जमीन का जो मालिकाना है वो किसान का होना चाहिए। जैसे हम जमीन का मालिकाना किसान का होना के लिए बात रखता है इसी तरह हम अभी किसानों को मालिकाना में और ओनरशिप में हमको ये एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मंडी भी शुरू करने का डिमांड रखना पड़ेगा जो सहकारिता संघों के द्वारे हमको हो सकता है और उसका बहुत अनुभव भी हमारा सारे भारत में देखे तो हमको पता मिल जाएगा। तो ये भी एक अल्टरनेटिव का रूप में रख सकता है जिसको खिलाफ हमको ऐसे ये दाम के ओर से हमको किसानों को शोषण करता है ये नीति को खिलाफ और कंपनीकरण जो खेती में हो रहा है कृषि में हो रहा है द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इसको खिलाफ कृषि का सहकारिता और कॉपरेटिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का रूप में इसी तरह ये जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मार्केट में उसका ओनरशिप में भी हमारा किसानों का कलेक्टिव ओनरशिप बनाने का एक अल्टरनेटिव हमको रखना चाहिए इसका आधार पर हमको सोचने का बहुत जरूरत है। और अंतिम में ये भी बात करके मैं खत्म करूंगा वो ये है कि आपको पता अभी कॉमरेड ने बताया कि अतुल कुमार रंजन और कॉमरेड एसोसिएशन का कॉमरेड है सत्यवान जी ये सब लोगों को हमारा पास उनका मैसेज आया और हमारा जो ये भूमि अधिग्रहण अधिकार आंदोलन ये इसका शुरुआत में ये किसान ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छी भागीदारी थे और वो भागीदारी आगे भी होगा लेकिन इसको थोड़ा मजबूत करने के लिए और जानबूझ से कोशिश होने का जरूरत है क्योंकि ये गैर मजदूर और किसान संगठन वो बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारा सामाजिक संगठन का साथ साथ एक किसानों का संगठन और गैर मजदूर का संगठन को भी भागीदारी रखना और उसको मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। और उसका साथ साथ हम जो फैसला किया कि ये जो मजदूर वर्ग का जो संघर्ष है 2 सितंबर वाला पीछे 2 सितंबर 2015 में हमारा भू अधिकार आंदोलन पूरा समर्थन उनको दे दिया था इसका असर भी पड़ा कि सारे भारत में ग्रामीण इलाकों में 2 सितंबर को जितना असर पड़ा है उसमें हमारा भी भागीदारी का एक बड़ा असर है। तो ये उसका हिस्सा उसमें है। तो आने वाले ये जो 2 सितंबर में भी हम ये करने का फैसला हम निर्णय लिया है उसको हम लागू करेंगे उस समय पे पीछे जैसे किया उससे भी ज्यादा नंबर में किसानों को गैर मजदूर को ग्रामीण इलाकों में हमको रैली करने के लिए सक्षम होना चाहिए और इसके आगे बनाकर ये किसान मजदूर का जो एकता है वो सबसे बड़ा एक अल्टरनेटिव रूप में विकास करके पैदा करके बनाने का जरूरत है इसमें भी हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। इसी तरह हम सब लोग इकट्ठा करके ये जो कदम आगे बढ़ा के जाएगा ये तो जरूर किसान और मजदूर जैसे जो हमारे देश में इतना हमला हम सहते हैं आजकल ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ओर से वो जो नीतियों के ओर से वो नीतियों को बदलाव करने में हम कामयाब होगा इसमें हमारा बहुत बड़ा भूमिका होगा। जैसे ये अंग्रेजियों का जमाने पे जैसे किसान मूवमेंट इसका सबसे बड़ा लीडरशिप रोल किए थे उसी तरह किसान और एग्रीकल्चर वर्कर्स का जो मूवमेंट है वो आज का पैमाने में भी आज का जमाने में भी इसी तरह ये कॉर्पोरेट वेल्थ के खिलाफ एक अल्टरनेटिव और बदल विकास करने में सबसे बड़ा जो योगदान हमारा ही होगा वो जानबूझकर समझकर इसके ओर से आपको हमारा मूवमेंट को और ये एकता को आगे बढ़ाने का जरूरत है इतना बोलकर मैं दबा पाऊंगा। थैंक यू। साथियों हम लोगों ने जो प्रोग्राम शेड्यूल बनाया था उसके अंदर आम सभा का भी घोषणा की थी। अब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे साथी हैं मंचासीन साथी हैं वो अपनी पूरी बात विचार के साथ रखेंगे ताकि आम सभा के फॉर्मेट के अंदर भी वो आ जाए। तो दोनों चीजों को हम लोग एक साथ चलाएंगे और लंच तक
कोशिश होगी कि ये हम लोग समाप्त करने का काम हम लोग करें, जो भी साथी यहाँ पर बताएंगे उसी तरीके से हम लोग करेंगे। कुछ कह रहे हैं अशोक जी? आप इधर आ जाइए, आप इधर आके कहिए जी। साथियों, और कोई साथी जो अपना सुझाव देना चाहे, जो प्रस्ताव पारित किया है उसे कैसे, उसमें अब नए मुद्दे नहीं आने चाहिए, मेरा सुझाव यह है। मुद्दों के ऊपर बहुत सारी बातचीत हो गई, अब शुद्ध बात हमको कैसे ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इफेक्टिव बनाना है और क्या हमारी आंदोलन की रणनीति होनी चाहिए, केवल ये दो बिंदुओं पर बात आनी चाहिए। हर समय नए नए इशू अगर आएंगे वो ठीक नहीं है, जो इशू आने थे वो आ गए, प्रस्ताव उसका पारित हो गया। बताइए कोई साथी की अपनी, ठीक है कोई साथी का नहीं तो हमारा, एक तरफ से हमारे जो मंचासीन साथी हैं वे अपनी बात अब यहाँ पर रखेंगे। मैं कैलाश मीणा जी जो राजस्थान से आए हैं, नीमका थाना के इलाके में, जो वहां पर पूरा खनिज माफिया है उससे लंबे समय से लड़ने का काम कर रहे हैं, कई बार हमला हो चुका और कई मुकदमे भी उनके ऊपर चल रहे हैं, एक सशक्त संघर्ष उनके द्वारा किया जा रहा है, वो अपने विचार यहाँ रखेंगे। सम्मानित मंच, पूरे देश से इकट्ठा हुए संघर्षशील साथियों, सभी को कैलाश मीणा का जिंदाबाद। आज जिस नाजुक दौर से ये देश गुजर रहा है